प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा एक का चैप्टर 8.3। चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना। देखिए, राशियों की तुलना में हमने आगे पढ़ा है चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र, चक्रवर्ती विशेषक के सूत्र। उन सूत्रों के आधार पर अपन इसको हल करेंगे। तो देखा, मैंने आपको पहले एक सवाल कराया था, सूत्र लिखाए थे। देखो, सवाल नंबर दूसरा है, कमला ने स्कूटर खरीदने के लिए 26,400 रुपए 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष से 4 माह के लिए उधार दिए। वार्षिक ब्याज संयोजन के आधार पर कितनी राशि चुकाएगा? इसके बाद दूसरा सवाल है, मूलधन पी का मान 26,400 रुपए, दर का मान 15%। देखो, इसके बाद समय दे रखा है 2 वर्ष 4 माह। तो इस समय को पहले वर्ष में चेक करेंगे तो 2 वर्ष का 2 वर्ष 4 माह, तो वर्ष बदलेंगे तो 12 बार हो देंगे। 4 से 4 1 बार, 4 से 12 3 बार, 2 से 1/3 वर्ष आ गए। फिर चक्रवर्ती विशेषण का सूत्र लगा देंगे, P × A + R/100 T। पी का मान भरेंगे 26,400, ए आर का मान भरेंगे 15% / 100, टी का मान भर देंगे। अब देखना, 2 तो पूरा आ रहा है तो 2 बार तो 100 + 15 115 ही आएगा। 1 बार 3 का भाग 15 में तो 5 बार जाएगा, तो 105 जाएगा। 2 बार तो 115 और 1 बार 105 बटे में सौ ही जाएगा। अब इसको काटेंगे, देखना 5 से कटेगा 21 बार। पहले तो 2 जीरो 2 जीरो काट दिया हमने, 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, 5 से 23 बार, 5 से 20 बार, फिर 5 से कटेगा 4 बार और 5 से कटेगा 23 बार, फिर 4 से काटेंगे इसको 66 बार, फिर 6 से कटेगा 2 से 33 बार, ये 2 से कटेगा 10 बार। ऊपर के सबको गुणा कर देंगे और नीचे 10 मिल देंगे। ऊपर सारे गुणा करने पर आता है 36,356,595, 10 का भाग देंगे 36,659.70, ये इसमें निश्चित आ जाएगा। इसी प्रकार देखना, पांचवा सवाल है, मूलधन 60,000 रुपए, दर 12% है और समय 6 माह है। तो 6 माह यानी शर्त इसमें अर्धवार्षिक दर की, समय दुगना करा दी। 6 माह का दुगना यानी 12 माह, 12 माह का मतलब है 1 वर्ष, यानी एक इसका आधा वर्ष। दर दे दी, आधी कर दी 6%। यहाँ भी वही याद करेंगे, चक्रवर्ती विशेषण सूत्र वही काम आएगा जो अपने यहाँ काम आया है। इसमें मान भर देंगे 60,000, 1 + R का मान वही 6% और इसको हल करेंगे 6,600 जाएगा। इसी प्रकार याद रखो, सवाल नंबर 7 में है, मूलधन 8,000, दर 5% और समय 2 वर्ष। यहाँ भी जमा की गई राशि याद करनी है, चक्रवर्ती विशेषण याद करना है। सूत्र वही आएगा, P × 1 + R/100 T। पी का मान है 8,000 × 1 + R/100%, तो 8,000 × 105 यानी 100 को 5 से गुणा करेंगे, 100 × 100 + 5 105 हो गया। 105 को अपन 2 बार लिखेंगे और 2 बार नीचे 100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, देखो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो 1 जीरो कट गया, 5 से 2 बार, 5 से 21 बार कट जाएगा। फिर 2 से कटेगा ये 4 बार, 4 को इनसे गुणा करेंगे किया जाएगा हमारे पास। इस प्रकार हमें चक्रवर्ती विशेषण ने प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये हमने प्रश्नावली 8.3 इस तरह से बाकी सवाल